वाले का साथ। एकदम बढ़िया फोटो आ रही है सर। ये बहुत इसका वैसा है। हाँ हाँ दौड़ेगा इसको थोड़ा आगे कर सकता हूँ। चालू हो गया। अरे कोई नहीं, आप पढ़ाओ जैसे पढ़ाते हो। अरे बट सर नहीं हो सकता ना, उसका सर्फिस ज्यादा रहेगा तो उस पे पार ऐसे गिरा ना। इधर 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 मेरा तीन बार गिर चुका है, सबका बैग रख दो घर पे गिरा मैं, नहीं टूटा होगा। इसके अंदर भी उसने कुछ दूसरा गैस डाला, ये थोड़ा दूसरा वासल, और इसके अंदर जो गैस होगा वो गैस को बोल सकते हैं गैस। दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले वासल के अंदर जो गैस होगा वो पूरा डिफरेंट होगा, सेकंड वाले के अंदर जो गैस होगा वो पूरा क्या होगा, ये गैस सुपर सारा है। अब दोनों गैस का एडिशन करने के बाद उसने एक और थर्ड वाले वेसल के अंदर उसने इसका और इसका दोनों का गैस निकाला और थर्ड वाले वेसल के अंदर मतलब इधर ऐसे कुछ और उसके अलावा ऐसे कुछ। वैसल सी के अंदर क्या देखने को मिला, गैस ए प्लस गैस या सुनो अब एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बात करें, सिंपल वैसल ए वैसल बी दोनों के अंदर डिफरेंट गैस ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा है तो प्रोडक्ट
के अंदर क्या बन रहा है, सी नहीं प्रोडक्ट है, पर दोनों गैस को कंबाइन करके हम लोग थर्ड वाले वेसल के अंदर उसको, तो यहां पे ये जो गैस है इसका इनिशियल प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं पी। गैस होता है तो गैस को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर देना पड़ता है, इसके अंदर इसका जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं। अब दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो इसको पीसी, पीसी का मतलब होता है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एटा और प्रेशर बीटा एडिशन। या सुनो समझना आ रहा है क्या होगा, एक वाले गैस को उठाया मैंने, बी वाले गैस को उठाया, दोनों का प्रेशर सी के अंदर डाला, तो उसका मतलब है थर्ड वेसल के अंदर प्रेशर ए और प्रेशर बी दोनों कंप्रेस होके अंदर ऐड हो गए, तो टोटल जो प्रेशर होगा वो पी पी होगा, बट हम लोग पी पी नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है पी सी। पी सी मतलब ए गैस का प्रेशर और बी गैस का प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम लोग ये दोनों वेसल को अगर आइडियल गैस के हिसाब से इक्वेशंस के हिसाब से कंसीडर करें, सोचो कि ये दोनों गैस कौन सा है, आइडियल गैस कौन सा है, आइडियल, तो दोनों का मिक्सचर भी कौन सा होगा, आइडियल होगा। मार्केट के अंदर दो गैस देखने को मिलते हैं मार्केट में, एक आइडियल गैस और दूसरे नंबर का जो गैस होता है उसको बोलते हैं आइडियल का मतलब क्या होता है, हमारी इमेजिनरी, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा भी कोई एक गैस हो सकता है, इमेजिन कर सकते, बाकी जितने भी पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस अवेलेबल है ना, तो एक गैसेस रियल, बट रियल गैस को हम लोग आइडल गैस के अंदर सुटेबल कंडीशंस अप्लाई करें तो उसको थोड़े टाइम के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी गैस वो हर एक गैस का अगर नेचर आप लोगों को पूछे अब आइडियल गैस की फॉर्मूला क्या है, मन पटेल बताए आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है, आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा है, कितने दिन पहले पढ़ा है, मैंने पढ़ा है वो पता है, कब पढ़ा है, मंडे घर से 10 पहले चले आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर PV is equal to NRT, ये जो फॉर्मूला होती है वो आइडियल गैस की फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं खाली ओनली वेसल ए के बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में बोल रहा हूँ, वेसल ए के अंदर प्रेशर पी ए होगा, ठीक है, तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उसके अंदर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उसके अंदर आर, आर मतलब रेट ऑफ कांस्टेंट होता है, इसके लिए गैसियस के लिए मैंने लिखवाया था चार वैल्यू रिक्वायर्ड, पता है कैलोरीज के अंदर, फिर जूल के अंदर, फिर बार, और एटीएम के फॉर्म में क्या रहता है, तो ठीक है, यहाँ पे
कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट टर्म इसके अंदर कांस्टेंट टर्म बी आर और टी रहेगा। कौन कौन सा टर्म रहेगा, बी आर और टी, मतलब अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसके साथ उसके मोल्स क्या होंगे, चेंज क्या होंगे, चेंज। तो अगर मैं ये फॉर्मूला गैस ए के लिए अप्लाई कर रहा हूं, गैस ए, और यहां पे लिख रहा हूं गैस बी, अगर मैं यही फॉर्मूला गैस ए के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलेगा पी ए बी इज इक्वल टू एन ए आर टी। क्यों, क्योंकि जो तीन फंक्शंस है B, R, R, T, ये पूरे इक्वेशंस के अंदर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है, डाल्टन ने ऐसा बोला था कि प्रेशर चेंज होगा तो उसके साथ पर्टिकुलर उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चेंज, और मॉलिक्यूल चेंज होगा तो उसके मोल्स भी क्या होंगे, चेंज। दैट्स द रीजन PAB इज इक्वल टू MART, इसको मैं जस्ट इक्वेशन नंबर A बोल रहा हूं। ये कैसा है, इसे दूसरा मैं यहाँ पे PVV इज इक्वल टू MVRT, इसको मैं इक्वेशन नंबर B बोल रहा हूं। आ रहा है, यस सर, ठीक है। अब दोनों गैस को मर्ज कर रहा हूं, दोनों गैस का एडिशन मतलब पी टोटल। अब इसमें भी आप लोगों को आगे जाना है तो इसके अंदर आप लोग पीए को सब्जेक्ट बनाओ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ए आर टी बाय बी, लिख सकता हूँ ये बी को मैंने इसके अपॉन में डाल, इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी बाय बी, लिख सकता हूँ। अब PT is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ, PA plus PB हो सकता है। अब PA, PA की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ NARD by B plus NV RD by B। अब guys इसके अंदर से common thing क्या है, common चीज़ क्या, RD by B, तो इसका मतलब है PT is equal to RD by B common रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब एक सिंपल चीज बता, ठीक है, एन ए प्लस एन बी, उसकी जगह हम लोग एन सी लिख सकते हैं। एन सी मतलब सी मैंने क्यों बोला है, उसका मतलब ऐसी कुछ फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ए टी इज इक्वल टू एन सी पार्शियल प्रेशर, मतलब जब मैं ये दोनों गैस को कंबाइन कर रहा हूँ इसके अंदर, ये गैस ए था कोई भी रैंडम गैस, गैस बी था रैंडम गैस, दोनों को मैंने वेसल सी के अंदर डाला, सी के अंदर डालने के बाद कंबाइन हो जाने के बाद हम लोगों को उसका इंडिविजुअल ये गैस के अंदर, ये वाले वेसल के अंदर पीए कितना होगा और पीबी कितना होगा वो इंडिविजुअल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो लॉ यहाँ पे यूज किया हुआ है वो लॉ का नाम क्या है, डाल्टन पार्शियल। इसके अंदर जो भी गैस मर्ज हो उसके अंदर से उसका खुद का सेपरेटली इंडिविजुअली पार्शियली जो भी प्रेशर फाइंड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो फॉर्मूला डिनोट करने वाला एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट का वो होता है। क्या तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर चले जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर भाई इधर देख रहा है, एडजस्ट कर लिया करो, मेरा नाम आएगा बस वहीं पर खड़ी रहना भैया।
एक बार तो पढ़ता ही है, एक बार जरा बैठ के से भूल के आदि एक बार तो सच के लेक्चर में दिखा है। तो अब क्या हुए, आप लोगों को ये पता है x x माने ओके मोल फ्रैक्शन दो चीज का होता है मेरे हिसाब से, एक सॉलिड का, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसका सिंबल x2 होता है, इसका सिंबल क्या होता है x, दोनों का एडिशन करो तो आंसर पढ़ा है। पर मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है x2 का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n2 और x1 फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन नंबर सी कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर ए कौन सा है इसको दिख रहा है, उसका मतलब है अभी खाली टेम्पररी बता रहा हूं, P A is equal to N A R T by V, इसको मैंने equation number A बोला, divided by S, just temporary बोला, P C N C R T by V, इसको equation number C, clear? अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा calculate कर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P A upon P C is equal to Na RT by V, ये मैंने PA के बिहाफ में लिखा और PC के बिहाफ में ऐसे लिख सकता हूं NC RT by V, ये लपेट हो गया, yes or no? Yes, तो इधर क्या मेरे को PA by PC is equal to Na, अब NC की जगह मैं Na plus NB लिख सकता हूं, yes sir, तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला सिमिलर लाइक दैट फॉर्म की होगी, और इसके लिए मैं यहाँ पे x a लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला ऐसे हुई PA upon PC is equal to x a, आ रहा है, इसमें आप लोग PA को सब्जेक्ट बनाओ, PA is equal to ऐसे कुछ होगा x a into PC, समझना आ रहा है, व्हाट इज द पी ए, तो ए गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर, ओके, और पी बी एक्स बी इनटू पीसी, आ रहा है, यस सर, समझ में आ गया, यस सर, डन, यस सर, क्लियर, ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर से, ये फॉर्मूला नंबर वन, ये फॉर्मूला नंबर टू, ये जो दो फॉर्मूला देने वाला जो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट का नेम क्या है, अन्ना है, इसका नेम क्या था, क्लियर है पक्का, यस सर, वजन एक बार ऊपर ऊपर से देख लो फिर उसके बाद आगे करो, अभी तुम लोगों ने मेरा सर्कल नहीं देखा, नहीं डोलिन फ्रैक्शन निकालो, क्योंकि उसके अंदर हम लोग देखते हैं टॉपिक, उसके ऊपर आप लोगों को एक एग्जांपल नंबर 5.9 दिया हुआ, ऐसा होगा
वो अभी नहीं करना है, वो विश्वजीत सर करवाएंगे आप, ठीक है? चलो केमिस्ट्री उसने फिजिक्स का निकाला उसका मतलब है वो नींद में है। गलत बात है। हाँ गाइस, प्रॉब्लम नंबर 5.4 देखते हैं। जिन लोगों का हो गया है वो थोड़ा इधर भी फोकस कर लो। प्रॉब्लम नंबर 5.4 ठीक है, आगे लिख देना हाउस है, आई एम भी नहीं लिखना, लिखना हाउस ऐसे लिखना है, व्हाट्सएप ले अगर आपको भरोसा है तो आए। नहीं है। आज मैं जानबूझ के गलत बोलता हूँ, तेरे जो मुंह पे स्माइल आती है ना सर, वो ऐसे डांटने की या उसको करेक्ट करने की जो गलत होती है, इसलिए मैं यशस्वी बोलता। I know that तेरा नाम लक्ष्मी, आज मूवी नहीं आई श्री। So example number 5.4, what the problem? Sorry. मेरा जिसका उसके लिए। चलो ओए यहाँ पे दो गैस दिए हुए हैं, नियॉन और ऑक्सीजन, ये दोनों का एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का वेट 70.6 ग्राम ओके, और नियॉन का जो है वो नियॉन का दिया हुआ है 167.5 ग्राम। दिख रहा है? मतलब ऐसा सोच लो कि ये वेसल ए है जिसके अंदर ऑक्सीजन था, ये वेसल बी है जिसके अंदर क्या था, नियॉन। वेसल ए के अंदर जो गैस है उसका वेट दिया हुआ है, वेसल बी के अंदर जो गैस है उसका वेट दिया हुआ है। ओके, इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इन अ सिलेंडर इज 25 बार, मतलब आप लोगों को टोटल प्रेशर पीटी अपन ऐसा यूज करें 25 बार दिया हुआ, तो आप लोगों को दोनों का पार्शियल प्रेशर मतलब ऐसा PO2 क्वेश्चन मार्क PNe, ठीक है? जिसके पास खुद का गणक यंत्र हो वो निकाल लो, गणक यंत्र हो क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर, मजे कैलकुलेटर। अब ऐसे मैं थोड़ा लाइन करके बता रहा हूं, यहां पे मैं स्पेसिफाई बात करूंगा ऑक्सीजन की और यहां पे मैं स्पेसिफाई बात करूंगा नियॉन। पहली चीज है फॉर्मूला के अंदर क्या दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन, क्या दिख रहा है मोल, फाइंड क्या करना पड़ेगा मोल्स, तो मोल्स की फॉर्मूला क्या होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास अपॉन एमएम, मास कितना दे रहे हैं यहाँ पे, और डाई ऑक्सीजन मुझे O2 का एक ऑक्सीजन का 16 दो का डिवाइडेड बाय 32 कितने मोल्स मिले कोई बता सकता है, टेक्सबुक के अंदर आंसर रॉन्ग हो सकता है, कैलकुलेटर के अंदर फाइंड करो तो पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। किसी के पास 2.206 ठीक है, क्लियर? अब इसके मोल्स फाइंड करेंगे, नियॉन, नियॉन का फॉर्मूला मास बाय मॉलिक्यूलर मास मोल, वो कितना दिया हुआ है 167.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन 20 आप लोगों को इवन ऑड नंबर पता है
इवन और ऑड नंबर वन टू ट्वेंटी के अंदर कितने इवन नंबर आते हैं, कितने ऑड नंबर आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला हो। अगर इवन नंबर मतलब ये ए एम की बात करता है एटॉमिक नंबर और ये ऑड इवन नंबर है तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय टू, ओके, और ऑड नंबर है तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन। ये फॉर्मूला याद है, ये किसके लिए फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए, कितने पॉइंट टू प्लस वन। अब इसमें भी थोड़े एक्सेप्शन जिसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकती, एक्सेप्शन वो भी यहाँ पे बॉक्स करके बता रहा हूँ। क्लोरीन, आर्गन और नाइट्रोजन, ओके, क्लोरीन का 35.5 है, आर्गन का 40 और नाइट्रोजन का 4, बाकी नियॉन का नंबर कितना रहता है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 8.375। या ये दोनों के मोल्स मिल गए, अब फाइंड क्या करेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन एक्स ओ टू के फाइंड करें। इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं NO2 प्लस NNA, N मतलब मोल्स, अब इसके मोल्स कितने मिले डिवाइडेड बाय 2.206 प्लस 8.375, पूरा आंसर बताओ कितना आ रहा है, टेक्स्ट बुक में से गलत है, करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, फॉर्मूला तो पता ही है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 is equal to 1 minus x2 हो सकता है, या x2 is equal to 1 minus x4, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मिल गया क्या मोल फ्रैक्शन, फाइंड क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसके लिए अब ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो PO2 is equal to PT into XA, लिख सकते हैं PT कितना है 25, A X से नहीं लिखना है, XO2 कितना मिला O2 के लिए 0.21, तो कितना आंसर आ रहा है 5.25, और PNA PT into मतलब इनको नहीं कर रहे हैं इधर डायरेक्टली XNA PT 25 0.79 कितना आंसर आ रहा है 19.75 इसका और इसका एडिशन करके देखो कितना आ रहा है 35, इसका मतलब आपका आंसर सही है, समझ में आ रहा है या सुनो ये आया समझ में, ये देख लो एक बार बड़ा गरीब लोग गरीब आते हैं तो सबको देखते हैं, आई नो दैट तेरे को पता चल गया फिर इरेज करने के लिए किसी को बड़ा करना पड़ेगा, पानी को लगाओ आधा ही दिखा ना, तो आधे में क्या है, आधा तो ऐसे ही दिखता है।
गरीब लोग हैं यार, गरीब लोग नहीं बता सकते, अमीर लोग बता रहे हैं। जैसे कि ये किसने नहीं बताया कभी, नीचे कर गरीब है इधर दू कर लो भी फटाफट फिर आगे करते हैं। अभी लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से होस्टल खत्म ही नहीं। ए भाई इसके बारे में आपको मत आई नो दैट मेरे को कब का परेशान कर रहा है। हम खड़ा होकर लोग खींच के दे दो यार, असर मन है आमदनी और ये यहाँ पर मैंने फेस देखा जरा नीचे कर दो मेरे से चार लोग तीन लोग मेरे को फॉलो करते हैं। चलो पीछे रुको से देना।
आगे चलो आज दाढ़ी तक अब सच में नहीं निकल रहा है तो दो तीन अच्छे वाले मैं करवाता हूँ आप लोग भी ओके न्यूमेरिकल्स क्योंकि इसके बाद आप लोगों को थियरी मिलनी है वो क्या है सब फॉर्मूला अब इसके अलावा एक भी यहाँ पे फॉर्मूला राइज कोई कंसेप्ट नहीं है ठीक है अब इसके बाद आप लोगों को मेन मेन थियरी जाएंगी ठीक है और वो थियरी ही पढ़नी फिर आप लोग उदास की तरह बैठोगे ठीक है उससे अच्छा थोड़ा फन कर लेते हैं आज ठीक है निकालो एक्सरसाइज 5.1 हो गया था उससे करना है तो कितना मुंह नहीं मैं करवा रहा हूँ हम लोगों को क्या हो क्या रहा है आप लोग ठीक है जाने दो अपन थियरी करते हैं एक्सरसाइज करते हैं खुद से कर ले ठीक है नहीं नहीं एक्सरसाइज कितने लोगों को करना है खुद से खुद से ओके ये करेगी आज लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ओए चार्ल्स और ये सब इसीलिए करवाया क्योंकि मेरे को पता था मैं मेरा गला खराब होने वाला इसलिए एडवांस में मैंने वो करवा दिया अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थियरी खत्म करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों का ये चैप्टर खत्म ठीक है उसके बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे चलो मिलेंगे चलो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 हो गया था फोर्थ नंबर करो फटाफट फोर्थ नंबर वाला चलो गाइस आप लोगों को हिंट दे रहा हूं ओके एक्सरसाइज का 5.4 टेम्परेचर आप लोगों को 0 degree सेल्सियस दिया हुआ है मतलब 273.15 प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है 1 bar सॉरी 2 bar दिया हुआ है यहाँ पे दूसरी चीज है उसके बाद सडनली प्रेशर कितना हो रहा है 5 bar तो आप लोगों को मोलिकुलर मास आप लोगों को फाइंड करना है क्या करोगे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा 0 degree सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ द सर्टेन ऑक्साइड ऑफ द गैस 2 bar एंड द सेम डाइनाइट्रोजन इज 5 bar तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कौन बता रहे कौन सी फॉर्मूला यूज करें प्रेशर दिया हुआ है उसके ऊपर से ऑब्टेन करना है मॉलिक्यूलर मास तो गाइस इसके लिए दोनों के अंदर टेम्परेचर सेम ही है तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं तो इसका मतलब है P1 = 1/m1, P2 = 1/m2 तो इसका मतलब है इसका मैं फ्रैक्शन निकालो तो P1 = P2 = m2/m1 हो जाएगा आया ना तो इसका मतलब P1 कितना दे रहा है आप लोगों को 2/5 m2 पॉइंट कर दे रहा है और m1 मतलब डाइनाइट्रोजन मतलब N2 मुझे कुछ गड़बड़ है या नहीं देख लो
कितने लोगों को पता चल गया इसके अंदर बोलो देख लो फटाफट और लिखना है तो लिख सकते हो बाकी ऐसे तो विश लिखना है आप लोगों का स्पीड पक्का है मैंने आज बहुत टाइम बाद टेक्स्ट बुक लिया नया टेक्स्ट बुक है नई फर्स्ट हमारा एक्चुअली आंसर रॉन्ग आ रहा तो क्या हो अब ये आंसर रॉन्ग है तुम लोगों ने जो लिखा ना वो आंसर रॉन्ग है थैंक यू इसलिए बताने के लिए मेरे को लगा इसलिए मैंने आंसर चेक किया क्योंकि एक जगह पे मैंने कंफ्यूजन यहां पे पूरा मिस्टेक किया है कौन बताएगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया क्वेश्चन पढ़ो देन आप लोगों को रियलाइज होगा क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं डेंसिटी ऑफ द सर्टेन ऑक्साइड ऑफ द गैस u बार इज अ सेम एज of the nitrogen at 5 bar density to same hai r bhi same hai temperature bhi same hai but iske andar change kya hoga isme aisa bola tha ki di nitrogen 5 tha tab uske andar se jo di oxide jo generate hua na wo 2 ho gaya matlab idhar change hua hai 5 aur yahan pe kya aayega मतलब इधर अपन का जो P1 है वो 5 आएगा P2 क्या आएगा गाइस इसके अंदर क्वेश्चन पे ही ये पूरा डिपेंड है क्वेश्चन एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पर क्वेश्चन के अंदर से जो डेटा निकलेगा ना उसके ऊपर तुम आइडेंटिफाई कर सकती है क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब 5 × 28 / 2 = 14 × 5 मतलब आंसर क्या मिलेगा क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि डाई नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है 5 तब ऑक्साइड का कितना हो रहा है 2 इसीलिए मैंने P1 5 और P2 2 बोला और इसके सामने ऑपोजिट कर दिया N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया 28 तो हम लोगों को ऑक्साइड का फाइंड आ गया समझ में क्लियर नेक्स्ट उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर का है 5 नंबर का करो चलो 5 नंबर का ट्राई करो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा प्रेशर ऑफ द 1 ग्राम आइडल गैस ए 27 डिग्री यहीं पर रख रहा हूं 27 डिग्री पाउंड टू बी 2 बार व्हेन द 2 ग्राम ऑफ द अनदर आइडल गैस बी इज द इंट्रोड्यूस of the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3. Find the relation of the molecular mass. Molecular mass ka relations yahan pe aap logo ko maintain karna hai. दो मिनट दे रहा हूं आप लोगों को सोचने के लिए उसके बाद मैं करवाऊंगा यहाँ पे ऐसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट करो गैस ए और गैस बी गैस ए के बारे में आपको क्वेश्चन में कौन से डेटा गिवन दिए हुए हैं गैस बी के बारे में क्या दिया हुआ है वो करो गैस ए का मास कितना है तो उसका मतलब इधर लिखो मास इज इक्वल टू 1 ग्राम गैस बी का मास कितना दिया हुआ है उसके अलावा कौन सा डेटा दिया हुआ है प्रेशर कितना दिया हुआ है किसका प्रेशर 2 बार दिया हुआ है गैस ए का 2 बार तो गैस बी का 3 बार टोटल है उसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ पीटी इज इक्वल टू PA+B मतलब दोनों गैस का प्रेशर ये 3 है
ए का 2 है प्लस पीबी, तो पीबी इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो पीबी कितना मिलेगा पता चलेगा है या सुनो। अब यही फॉर्मूला जो ऊपर वाले फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को छोड़ो, पहले इधर मैं बना रहा हूं पीबी इज इक्वल टू एनआर, ये तो पीबी डब्ल्यू आर टी बाय एम लिख सकता हूं क्लियर। गैस ए के लिए डब्ल्यू ए आर टी बाय एम लिख सकता हूं, ये गैस ए के लिए। गैस बी के लिए पीबी बी डब्ल्यू बी आर टी बाय एम बी लिख सकता हूं। अब दोनों का मैं रेशियोस डिवाइड करता हूं, तो आरटी आरटी कट, तो इधर मैं ऐसे लिखूं पीए अपॉन पीबी, ये वीबीबी कट, इधर कुछ ऐसा मिला वा अपॉन एम और इधर वीबी अपॉन एमबी लिख सकता हूं मैं, आया ना। तो पीए पीए कितना मिल रहा है आपको, पीए कितना था 2, ये कितना था 1, डब्ल्यू मतलब ये W A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ into M B और इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ W B into M, हो सकता है? Yes sir. W A कितना था? तो इसका मतलब ये है 2 upon 1 is equal to 1. M B वैसे का वैसा ही रखता है, M A वैसे का वैसा है, W B कितना ग्राम है? सामने चला गया, तो उसका मतलब ये है MB upon M is equal to क्या मिला? मतलब MA जब 1 होगा तब MB कितने होंगे? समझ आ रहा है? Clear? Done? मार लो तो जो आप लोगों का नेचर है क्या करना, आया ये समझ में आया कि ऊपर से चला गया अंदर से? वेरी गुड, कोई देखते रहना कोई आंसर होगा ना। एमबी सॉरी डियर एमबी इज इक्वल टू 4 एमएम, नहीं 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 कंपैरिजन कर, ये ए क्या ये कितना रेशियो स्मॉल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नेक्स्ट गरीब लोग कौन सा मसाला, ये मेरे लेक्चर के लिए ऐसे कॉमेडी करता है कि हर एक में से बोलता है मेरे में खुले आप चाहे आवाज अच्छी है, फिर वो ट्राई करना पड़ता है अंदर जाएगा ना तभी निकाल बोल बनेगा कविश काउंसर बनेगा ऐसा बोल रहा है उसके माइंड में भी आया है कल से वो 10 रोटी खा गया है। ऐसा जरूरी नहीं होता रोटी खाए, इंसान अंदर से पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए। रीड करो एक्सरसाइज का 5.6 अब वो लंबा 5.6 ट्राई करो, आप लोगों को ही मिले रहा हूँ। ब्रेन क्लीनर्स of the Renex contains the small bits of the aluminum which react in the react with the caustic soda. What is the formula from the caustic soda?
एनएवर्ड क्या हो रहा था एनएवर्ड मतलब ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में थर्ड या सेकंड ऐसे प्लेस एंड सॉल्व के अंदर सीखा था मेटल प्लस बेस गिव्स टू सॉल्व प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज ऐसा सीखा था आप लोगों ने सोडा टू प्रोड्यूस अ डाइहाइड्रोजन व्हाट वॉल्यूम ऑफ द डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 बार विल बी रिलीज व्हेन द 0.15 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट गाइस इसके लिए आप लोगों को एक सूटेबल रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसके अंदर एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ रिएक्ट H2 ऐसा कुछ रिलीज होगा सही है क्लियर है ना इसको बोल सकते हैं मेरे हिसाब से मैंने कभी ऐसा दिखा नहीं है सही है या सुनो बैलेंस करो ना मैं इसको बैलेंस इक्वेशन में बैलेंस ही दो चेक इसको पहले मेरे को बैलेंस करके दो बैलेंसिंग कैसे करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट साइड एलिमेंट्स क्या आएंगे बैलेंस नंबर और राइट साइड क्या हो देखते हैं इसके सिग्नल का काम वही है वक्त बाजे आप सुन ठीक है नहीं है सिंगल अच्छा सिंगोड़ा सिंगम नहीं है तो चिंगम और क्या हो सकता ऋतु मजे ले रही है एसी की तो भी पूरा दिल में इतना नहीं आती होगी वो मेरे लेक्चर में आती है ना तो सही है देख अभी भी उसके आप हास्य नहीं रुक रहा है देखो कैसे लहरा के हंस रही है देखो और वो निधि बिचारी और उसकी पड़ोस हंस रही है पड़ोस मत इसकी तरफ बस इसका हमने बैलेंसिंग किया तो माइंड फ्रेश हो जाए ना इतना सारा पढ़ लिया पर आज आयु से ठंडी है आज आयु से कुछ आंसर ही नहीं है आज वो डीजी हो गई नबड़ी इसका बैलेंसिंग करो ना कितना रह जाए चलो कुछ ट्राई करते हैं इधर टू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो इसका मतलब इधर भी टू से मल्टीप्लाई करना बोलो मैं बैलेंसिंग क्या रहेगा चलो इधर टू कर दे उसकी मदद से ठीक है क्या है सिक्स एल भी नहीं आ सकता कोई बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में इसमें तो बोलो क्या रिएक्शन भी कर रहा है तो क्या हो सकता है और बताओ मेरे घर की रिएक्शन क्या चीज नहीं साइड अगर कॉस्टिक सोडा एक्वेस फॉर्म में एल्कोहलिक चलो इधर अपन H2O डाल रहे हैं इधर तो यही मिल रहा क्या मिल रहा है अब बैलेंस करो तो हो रहा है अब आप लोगों को नया एक ऑप्शन
अपना कितना है 186 इसका आप लोग एग्जैक्टली करो ना ये आंसर राइट है अब आगे ये मैंने आप लोगों को क्लेरिफिकेशन पर बताया कि लोग दो फॉर्मूला यूज करके आंसर करते हैं हम लोग ये फॉर्मूला भी करके कर सकते हैं ये बट ये फॉर्मूला करोगे ना तो आंसर ये आएगा मतलब सुटेबल नहीं है इसलिए आप लोगों को जब ऐसा कोई क्वेश्चन है ना तब ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट यूज करना ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने के लिए कि ये मेथड करोगे तो आंसर गलत है फिर आप लोग सर ने बोला था एक एक फॉर्मूला डाल के तो ये मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते समझ में आ रहा है इसके ऊपर ऐसे क्रॉस हम लोग ये मेथड से ये कंसेप्ट ये वॉल्यूम को फाइंड कर सकते समझ में आ रहा है क्या भाई डाई हाइड्रोजन का फाइंड किया या समझ में आ रहा है क्लियर कितना बजे 5 मिनट अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ लेसन बैठो बस अब बंद कर दे सर कौन सा बात कर रहा है